हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। पिछला ब्लॉग मैंने गाड़ी पे ही एंड किया था और गाड़ी पर से ही ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। एक्चुअली में आप सबको याद होगा, हम लोग आए थे सरोजिनी नगर मार्केट और वहीं से हम लोग ने बहुत सारा शॉपिंग किया था और बाय किया था। फिर दिनेश जी का अचानक से प्लान बना, चलो चलते हैं ओल्ड रॉ ढाबा। जब यहाँ तक आए हैं तो ढाबे का मजा लेते हैं। यस, हमको तो पसंद ही है। हाँ, तो पसंद ही है। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और चलिए आप सभी ओल्ड रॉ ढाबा। आज आप सबको ढाबे वाली खाना खिलाती हूँ। क्या खाएंगे हम लोग? दिखाएंगे, घूमूंगी सर। और गेस करो हम लोग क्या खाने वाले हैं। आप सबको तो पता ही है, मुस्लिम में जाती रहती हूँ, तो गेस करके बताओ हम लोग क्या खाने वाले हैं। चलिए ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। इस एरिया में सारे एम्बेसी हैं। ये रहा इटली दूतावास और बिहार का तो हम दिखाना ही भूल गए। बिहार दूतावास हाँ, जो था तो वो पहले थे ना सारे स्टेट्स के। हाँ, स्टेट्स के पहले थे, कंट्रीज वाले लेके हाँ, हाँ, स्टेट्स वाले पीछे ही रह गए। बड़ा प्रिटी लगता है। हाँ, आगे आएगा आपका फेवरेट दूतावास। हाँ, कोरिया दूतावास। सासोती को कोरियन म्यूजिक, कोरियन फूड, कोरियन शो, सॉन्ग, एवरीथिंग बहुत पसंद है। और कोरिया दूतावास के बाद ये जो है ना कतर वाला, ये बहुत अच्छा लगा। इसकी बिल्डिंग बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। नहीं, इसकी बिल्डिंग मुझे देखने बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम पहुंच गए हैं ओल्ड रॉ ढाबा और आजा सासोती, एक फोटो सेशन तो बनता है। फोटो लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, फोटो सेशन तो बनता ही है। एक पापा के साथ ले लो प्लीज। ए मम्मी, दीदी, इग्नोर क्यों कर रहे हो मेरे को? देखो तो सही, अंदर जाना है कि बाहर ही रहेंगे? नहीं नहीं, चलो बेटा, चलो चलो। आजा फ्रेंड्स, आप सभी अपने अपने पसंद के स्वीट्स चूज कर लो। मुझे तो यहाँ का फ्रूट रबड़ी खाना बहुत पसंद है फ्रेंड्स, बहुत ही मजे का होता है। और आज हम लोग पाइनएप्पल रबड़ी भी खाने वाले हैं, तो कह सकते हैं आज हम सबकी रबड़ी पार्टी हो रही है। और स्वीट्स खाने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर किए थे तंदूर के आइटम, सोया मलाई टिक्का और मशरूम टिक्का। बच्चों का फेवरेट है सोया मलाई टिक्का और मुझे मशरूम टिक्का खाना बहुत पसंद है। मैं खूब सारा मशरूम टिक्का एक बार में खा सकती हूँ, तो मैंने जम के मशरूम टिक्का खाए थे और सामवी सासवती ने मलाई टिक्का। और उसके बाद फिर हम लोगों का जो फेवरेट है आप सबको पता ही है, आलू का पराठा और उसके साथ खूब सारा बटर। हाँ, जब भी मैं ढाबा में जाती हूँ तो आलू गोभी तो मस्ट है और बच्चे दाल जरूर लेते हैं। तो यही था हमारा डिनर और बस कल या परसों सामवी वापस चली जाएगी, तो आज हम सबने मिलके एक साथ जम के पार्टी किया था आलू पराठे का। तो हम लोग जा रहे हैं अब वापस। ये मैं ये खाना मेरा रह रहा था लास्ट लास्ट में भी होना ही चाहिए। Hey, I wish I could show you more, 'cause baby you deserve some more. यहाँ पर तकरीबन 350 ग्राम बथुआ के साग को अच्छी तरह से वॉश करके बारीक कट करके मैंने ले लिया है और एक बड़े साइज के बैंगन का हाफ मैंने कट करके लिए हैं और थोड़ा सा मूली है तकरीबन 1 कप।
मूली और बैगन को भी कुकर में ले लेंगे और फिर इसमें जाएगा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, पानी और आम का खटाई, ड्राई मैंगो जिसे हम लोग आमिल बोलते हैं। आज है नेक्स्ट डे फ्रेंड्स, कल आने के बाद हमने कोई क्लिप नहीं बनाया था, सुबह को भी हमने कोई क्लिप नहीं बनाया था क्योंकि कल हैवी हो गया था डिनर, तो सुबह हमने सिर्फ फ्रूट्स लिए थे। अभी लंच टाइम में आप सबसे मैं मिल रही हूँ। तो ये देखिए, नमक ऐड करने के बाद मैंने ड्राई मैंगो इसमें ऐड कर दिए हैं। कच्चे आम को ड्राई किया जाता है और बिहार में ये बहुत यूज होता है। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था। अगर आपके पास ये ना हो तो आप टमाटर ऐड कर सकते हैं, खट्टा वाला टमाटर या अमचूर पाउडर। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिए हैं। अब 3 से 4 व्हिसिल आने तक इसको पका लेना है, जब तक साग अच्छी तरह से गल नहीं जाता। मैं आप सबसे बिहार का एक फेमस डिश जो विंटर में मोस्टली हर घर में वीक में एक बार तो जरूर बन जाता है, बथुआ का साग, भात, चोखा और भुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बथुआ के साग और भात के साथ चोखा तो जरूर बनता है, मस्ट 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 है। बहुत सारे लोग भुजिया बनाते हैं, इसके साथ पकौड़ा भी फ्राई करते हैं। अगर ये सब नहीं बनाना है तो चलेगा, लेकिन चोखा मस्ट है। तो मैं यहाँ पर आलू गोभी का भुजिया भी बना रही हूँ। बस सरसों के तेल में मेथी, हींग, सूखी लाल मिर्च का तड़का ऐड कर दिया था। आलू गोभी को नमक और हल्दी के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो स्टार्टिंग में मैं नमक ऐड नहीं करूँगी, बस हल्दी पाउडर ऐड किए हैं। इसको ढक के पका लूँगी, जब ये पूरी तरह से पक जाएगा फिर नमक ऐड करूँगी, नहीं तो सब्जी थोड़ा सा सौगी हो जाएगा। और इधर मैंने आलू उबलने के लिए चढ़ा दिया है, इसके साथ चोखा बनाऊंगी। तो आलू भी उबल रहा है, इधर राइस भी चढ़ा दिया है और इधर साग भी बॉयल हो रहा है। तो अगर सारी तैयारी की हुई हो पहले से तो आधे घंटे में ये थाली तैयार हो जाती है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लंच की थाली है फ्रेंड्स। तो गोभी आलू जब अच्छी तरह से फ्राई हो गया था तो थोड़ा सा नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। भुजिया बिल्कुल डन है। यहाँ पर साग भी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, इसको पूरी तरह से मैश कर लेना है। और ये आप पे डिपेंड करता है, साग को थिक रखना चाहते हो या पतला। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो। गांव में मोस्टली चावल जो बनाते हैं ना उसका मार निकाल के इसमें ऐड करते हैं। तो साग भी बॉयल हो गया है, आलू को भी मैंने नमक ऐड करके अच्छी तरह से मैश कर दिया है। आलू को जो मैंने बॉयल किया था उसको मैश कर लिया है। तो सबसे पहले आलू में तड़का ऐड करेंगे। सरसों के तेल में मैंने राई, सूखी लाल मिर्च और लहसुन ऐड कर दिए थे, थोड़ा सा हींग। तड़का जब क्रैकल हो गया चोखा में ऐड कर देना है और इसमें जो मिर्च है ना उसको गरम गरम में ही मैश कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से वो मैश हो जाए। और ये देखिए चोखा बिल्कुल डन है। अब साग में तड़का ऐड करेंगे। तो सरसों के तेल में जाएगा अजवाइन, सूखी लाल मिर्च और हींग। गांव में इसमें लहसुन नहीं जाता है, हींग के साथ ही साग बनता है, लेकिन मेरे घर में सबको लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो मैंने थोड़े से लहसुन और हरी मिर्च को क्रश करके ऐड किए थे और थोड़ा सा हींग भी। और लहसुन को धीमी आंच पे पका लिया था, फिर साग में ऐड कर दिया था। लेकिन ट्रेडिशनली इसमें हींग का ही तड़का जाता है, अजवाइन, लाल मिर्च और हींग का। तो साग भी डन है फ्रेंड्स, अब थाली लगाएंगे। तो खाना पीना हो चुका है फ्रेंड्स, और आज जो मैंने रेसिपी बनाई थी बिल्कुल बिल्कुल बिहारी स्टाइल, दाल भात, सॉरी दाल भात नहीं, बथुआ साग, भात, चोखा, भुजिया रेसिपी तो शूट कर ली मैंने और थाली शेयर करना भूल गई। थाली मैंने लगाया लेकिन क्लिप बनाना भूल गई, तो थाली आप सबसे शेयर नहीं कर पाई। कल जो मैं सरोजिनी नगर मार्केट गई थी तो आप सबसे शेयर किया था, बहुत ज्यादा हमने मार्केटिंग नहीं किया था, बस 2-4 चीजें ही शॉपिंग की थी। एक तो ये देखिए प्लांट्स मैंने 6 लिए थे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गया था, 90 रुपीज का मुझे 6 मिला था। फ्लावर्स, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड प्लांट्स, तो 6 ये लिए थे। और एक सूट का शॉप था, वहां मुझे अच्छे अच्छे सूट्स मिल गए थे। तो शांभवी सरस्वती के लिए, आप सबको पता है एक ही टाइप का दोनों पहनती है, जैसा सरस्वती लेगी वैसा ही शांभवी भी लेगी, तो ये सेट लिया था मैंने। ये देखिए दूसरी दिखाती हूँ, ये देखिए ये सेट लिया था, ये है सूट और ये शरारा, आजकल ये चला हुआ है। तो ये शरारा है और साथ में दुपट्टा, दो कलर का ही दुपट्टा है, ये देखिए। और सेम ही मैंने शांभवी के लिए भी लिए थे, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया शरारा और
ये ऊपर का और ये दुपट्टा, एक मैंने अपने लिए भी लिया था, ये लिया था मैंने अपने लिए, ये कुर्ती कॉटन का है बिल्कुल, कुर्ती प्लाजो सेट, तो ये मैंने अपने लिए लिया था, यही मैंने शॉपिंग की थी, और कुछ टी शर्ट्स ड्रेस लिए थे रात को पहनने के लिए, नाइट सूट में यूज करने के लिए बच्चों के लिए, सांभवी सासुती ने अपने लिए लिया था, और ये नाइट ड्रेस सांभवी सासुती ने लिए हैं दो दो, ये देखिए गर्मी में थोड़ा हल्का रहता है पहनने के लिए, तो बस यही दो चार चीजें हमने शॉपिंग किए थे, क्योंकि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगा जो वहां से ढोके लाती, ये सभी चीजें इसी प्राइस में हमारा जो द्वारका का अपना स्ट्रीट मार्केट है ना सेक्टर 6 का वहां भी मिल जाता है, तो मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगा, तो मैंने ज्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किए थे। हाँ सूट का शॉप मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, रिजनेबल लगा था, तो वहां से बस 3 सूट लिए थे मैंने, और यही सब मैंने परचेज किए थे, 2 सामग्री ने पैक कर लिया है, 2 सामग्री ने लिया था, 2 सासुती ने लिया था ये वाला ड्रेस, तो और ज्यादा कुछ हमने शॉपिंग नहीं की थी। और फ्रेंड्स ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, तो ब्लॉग को भी आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थोड़ा सा भी अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ एक और नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इवन इफ यू ट्राई यू वुडंट अंडरस्टैंड।